को बताएं क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले जान लो कि काफ़ी सेफ्टी हूँ और शूट चल रहा है, सीन चल रहे हैं, कुछ मज़ेदार घर के अंदर तड़के लग रहे हैं और काफ़ी अच्छा सीन चल रहा है, काफ़ी कॉमेडी है, काफ़ी मसालेदार है, बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोगों को भी देखिए, बहुत मज़ा आएगा। तो हमारे सेट पे आप पहुँचे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। बताइए, दिनेश जी हैं और अक्षरा सिंह जी हैं। दिनेश जी के लिए पहले से बहुत बड़ी फ़ैन हूँ उनकी एक्टिंग की, बहुत कुछ एक्टिंग के बारे में सीखने को मिलता है। अक्षरा सिंह जी की वॉइस मुझे बहुत पसंद है, उनकी वॉइस का जो बेस है ना, अमेजिंग वो सब। और अक्षरा जी की एक्टिंग भी कमाल का है, डांसिंग तो जितना बोले उतना कम है। सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है साथ में काम करके, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। बस डायरेक्टर है दिनकर कपूर जी, डीओपी है मनोज जी और कोरियोग्राफर है संजय कोर्वे जी और ड्रेस कॉस्ट्यूम डिजाइनर है बादशाह खान जी और हमारे पीआर है संजय कुमार जी। कहाँ इस वक्त शूट चल रही है? इस वक्त शूट चल रही है लखनऊ दिल्ली में शूट चल रही है। मुझे पूरा डिटेल्स में नहीं पता है, अब तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, बहुत सारे इंटरव्यू ले चुके होंगे। कैसा रहा शूटिंग पे ये केडी जी के साथ काम करके? बहुत अच्छा लगा, इन्होंने बहुत हिट हिट मूवी दिए, हिट हिट फिल्में दिए। निलंबा रिक्शा वाला इन्होंने बहुत हिट मूवी दी थी, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात काफ़ी कुछ सीखने को। फिल्म के गाने कैसे हैं? और गाने तो मत ही पूछिए, अक्षरा जी हैं और दिनेश जी हैं तो गाने तो सब ही होंगे। पहली बार दोनों जोड़ी काफ़ी टाइम के बाद। हाँ, ये चीज़ मैं भूल गई बताना कि काफ़ी टाइम बाद कुछ चेंजिंग, मतलब कि हमेशा आप लोग देखते थे कि अमृतपाली जी और दिनेश जी आते थे, अक्षरा जी, पवन जी, काजल जी और खेसारी जी, मतलब जोड़ियाँ एक बनी बनी सी थी। लेकिन अभी बहुत चेंजिंग हो रहा है, कॉन्सेप्ट में भी, कहानी में भी बहुत सारी चेंजिंग आ गई है और जोड़ियों में भी बहुत सारी चेंजिंग आ गई है। अभी ऐसा भी नहीं रहा कि जो सिंगर रहेंगे वही एक्टिंग कर सकते हैं, वही हीरो बन सकते हैं। ये भी चेंज हो गया और ये भी चेंज हो गया। सो बहुत दिनों बाद अक्षरा जी और दिनेश जी की जोड़ी देखने को मिलेगी। आप लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत पसंद करेंगे और आप लोग भी उत्साहित होंगे कहीं ना कहीं कि ये जोड़ी देखने को मिले। सो बहुत जल्दी पर्दे पे आने वाली है ये दोबारा जोड़ी। सो आप लोग वेट कीजिए, बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगी। बहन का रोल प्ले कर रही हूँ मैं, लीड करती हूँ, लेकिन बहुत लिए। मेरी जोड़ी तो हमारे ऑडियंस बताएंगे। किस किस के साथ आपकी फिल्में अभी तक बन चुकी है जो रिलीज हो चुकी है? हमारी फिल्में अभी टीनेजर लव स्टोरी फर्स्ट थी, हम 1 ईयर हुआ एंट्री की हुए, फिर भी हमें दर्शकों का इतना सारा प्यार मिल गया कि 7वीं या 8वीं फिल्में हमारी रिलीज तो नहीं हुई है, बहुत जल्दी रिलीज होने का उम्मीद कर सकते हैं, बहुत जल्दी रिलीज भी होगी। सो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कौन सी जोड़ी हिट हो सकती है और कौन सी जोड़ी आप लोगों को। जैसे कौन कौन सी फिल्म है, जरा नाम बताएं फिल्मों का। फिल्मों का नाम फर्स्ट थी टीनेजर लव स्टोरी, सेकेंड थी बातचीत खेसारी जी के साथ, और थर्ड थी राजमहल अमृतपाली जी के साथ, और एक छैला छः लैला, शिकारी, आंचल, और ये कल्लू की दुल्हनिया जो कल्लू जी के साथ थी, अरविंद अकेला कल्लू जी के साथ। काफ़ी अच्छी इसमें भी कहानी हमारी है, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बनी थी, काफ़ी अच्छा इसमें गाने हैं बहुत सारे। सो ये सारी जोड़ियाँ हैं और देखिए आगे काम कर रहे हैं, 3-4 मूवी और लगातार करते जा रहे हैं। जब से लॉकडाउन से मतलब कि लॉकडाउन से फ्री हुए हैं उस टाइम से काम तो कर रही है। कितना गर्व होता है हीरोइन बन के? हीरोइन बन के बहुत ज़्यादा, ऑडियंस का प्यार, फैमिली का कितना सपोर्ट मिलता है? पहले सपोर्ट नहीं था बट अभी सपोर्ट है, काफ़ी अच्छा फील होता है। कहाँ के रहने वाली हैं और कितने तक अपने अभी तक पढ़ाई किया है? ये सब मैं नहीं बताऊंगी, तो ना। हाँ, तो आपने पूछा कि कहाँ की रहने वाली हूँ। सो मैं उत्तर प्रदेश की यूपी की रहने वाली हूँ। आप लोग देख सकते हैं हमारे हाव भाव से, हमारे पहनाव से, हमारे बात विचारों से यूपी की रहने वाली हूँ, अपने देवरिया जिला की रहने वाली हूँ। और पढ़ाई की बात है तो अभी पढ़ाई रुकी नहीं है, कम्प्लीट नहीं हुई है, बीएससी सेकेंड ईयर है अभी, चली गई है।